बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि गलती की है तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी, चाहे वो सजा कानून दे या विक्टिम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपिका और आप सुन रहे हैं दीपिका स्फीयर बॉक्स। बात तब की है जब पीयूष लगभग 12 साल का रहा होगा। वो अक्सर अपनी नानी के घर जाना पसंद करता था। उसकी नानी का घर उसके घर से यूं ही कुछ 50 कदम की दूरी पर था। रोज की तरह ही उस दोपहर भी वो अपनी माँ से कहकर निकला कि माँ, मैं नानी के घर जा रहा हूँ, शाम तक वापस लौट आऊंगा। अरे सुन बेटा, वो कब्रिस्तान वाले रास्ते से मत जाना। कुछ ही मिनट में वो नानी के घर पहुंच गया और जाकर अपनी नानी के गले लग गया, जो रसोई में खड़ी कुछ बना रही थी। उसकी नानी भी उसे कसकर गले लगा लेती है और उसका माथा चूमती है। देख, मैं तेरे पसंद की खीर बना रही थी, चल जल्दी से हाथ धोकर आ, मैं गर्मा गर्म खीर परोसती हूँ। दोनों खीर खा ही रहे होते हैं तभी नानी पीयूष से पूछती है, तू वहां से होकर तो नहीं आया ना? अरे नानी, मुझे पता है वो कब्रिस्तान में छोटी चुड़ैल रहती है, कुछ भी हो जाए मुझे वहां नहीं जाना है। ठीक है ठीक है, नाम मत ले उस मनहूस का, तू खीर खा। और बातों ही बातों में शाम हो जाती है। तभी पीयूष की नजर घड़ी पर पड़ती है। अरे 6 बज गए, अब मुझे जाना चाहिए नानी, मैं जा रहा हूँ, अंधेरा होने ही वाला है। अरे अभी आया था और अभी जा रहा है, रुकता भी नहीं जरा देर। कल फिर आऊंगा ना नानी, अभी जाना है, माँ से कहकर आया था कि शाम तक लौट आऊंगा, नहीं गया तो माँ डांटेगी। अच्छा बाबा ठीक है, ये ले खीर का डब्बा लेता जा, अपनी माँ को दे दियो और उस मनहूस रास्ते से मत जाइयो। ठीक है नानी। अंधेरा हो चुका था। गेट से बाहर निकलते ही उस कब्रिस्तान को घूरने लगता है और धीरे धीरे उसके करीब पहुंच जाता है। अब क्या करूं? यहीं से जाना पड़ेगा, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। अंधेरे में ही उस शापित कब्रिस्तान में घुस जाता है और आधे चांद की धुंधली रोशनी में डरता हुआ कब्रिस्तान के बीचों बीच पहुँच जाता है कि तभी कुछ गिरने की आवाज आती है। कि क्या, कौन है, कौन है? एक चमकती सी बॉल आकर पैरों के आगे आकर रुक जाती है। पीयूष की जैसे ही उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है, बॉल आगे की ओर लुढ़कने लगती है और लुढ़कते हुए एक गड्ढे में चली जाती है। अपने खीर का डब्बा रखकर उस गड्ढे में कूद जाता है। अरे वाह, ये तो बड़ी सुंदर है। है ना, मैंने तुम्हारे लिए कब से बना कर रखी थी। कोई लड़की बड़े प्यार से पीछे आकर कहती है। आवाज सुनकर पीयूष वहीं का वहीं जम जाता है और उसके हाथ से बॉल गिर जाती है। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ता ही है कि उसकी एक जोरदार चीख निकलती है। वहां एक छोटी सी लड़की जो अपनी खोपड़ी अपने हाथ में पकड़े हुए होती है, जिसकी एक आंख आधी बाहर लटक रही होती है, पूरे चेहरे पर खून से भरी दरारें और उसकी गर्दन से रिसता हुआ खून उसकी सफेद फ्रॉक को भिगोता हुआ उसके कटे पैर से होता हुआ खीर के डिब्बे पर गिर रहा था। कौन है तुम, मुझसे क्या चाहती हो? पीयूष एक कोने में सिमट कर अपनी आंखें बंद करके उससे पूछता है। तभी वो गड्ढा एक भारी पत्थर से बंद हो जाता है। आवाज सुनकर पीयूष की आंखें खुलती हैं और वो जोर जोर से चीखने लगता है। कोई है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे घर जाना है, कोई है? माँ, नानी, कोई है जो मुझे सुन रहा है? मुझे निकालो, मुझे माँ के पास जाना है। कोई नहीं सुनेगा, यहाँ मैंने भी कई दिनों तक आवाजें लगाई थी जब मुझे यहाँ तेरी माँ और नानी ने जिंदा दफन किया था। मैं ऐसे ही चिल्लाती रही थी, चीख रही थी, भूखी प्यासी यहाँ मर गई। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे तो जाने दो प्लीज, मेरी माँ रास्ता देखती होगी।
तेरी माँ और नानी ने ही मुझे यहाँ जिंदा दफनाया था और तुझे उन्हीं के पास जाना है। कुछ ही दिन में उन्हें भी मैं यहीं ले आऊंगी। और सारी आवाजें बंद हो जाती हैं, बस पीयूष की आवाज गूंजती रहती है। सुबह पीयूष की तलाश शुरू होती है और उसकी माँ और नानी के साथ कुछ लोग वहाँ कब्रिस्तान में पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें वो खीर का डिब्बा खून से सना हुआ मिलता है, जिसमें वो गेंद भी होती है। कुछ ही दिनों में कब्रिस्तान में गए सभी लोगों की लाशें भी उसी गड्ढे के पास मिलती हैं और उस कब्रिस्तान को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि आज भी वो लड़की रात में कब्रिस्तान के गेट पर दिखाई देती है, लेकिन वो जब तक राहुल की माँ और उसकी नानी को नहीं मार देगी, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।